हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन के बारे में, जो कि वाया नागपुर होकर चलती है। ये जो ट्रेन है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में चलती है। इस ट्रेन का नाम है हावड़ा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेल ट्रेन। ये जो ट्रेन है वाया नागपुर होकर चलती है और ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 128-10। ये साउथ ईस्ट रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है और ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। हावड़ा जंक्शन से ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में रोजाना चलती है। डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है और इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं। हावड़ा जंक्शन से ये रोजाना रात के 8 बजे 21 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ये 33 घंटे 20 मिनट बाद सुबह 5:20 पर पहुँचती है। 33 घंटे 20 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं और 1963 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको इस ट्रेन का टिकट किराया बताऊंगा वो हावड़ा जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक का होगा। फर्स्ट एसी का जो किराया वो है लगभग 4950 रुपीज़, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल है। इसके अलावा सेकंड एसी के कोच का जो किराया वो है 2855 रुपये, इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी है जिसका किराया जो है 1955 रुपये है, इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। दोस्तों, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये हावड़ा से मुंबई तक का बता रहा हूँ। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो किराया वो है 740 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज जोड़ा जाता है। इसके अलावा जनरल अनरिजर्व डिब्बो का जो किराया है वो है 430 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन में पेंट्री कार भी शामिल है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन के बारे में, जो वाया नागपुर होकर चलती है। उसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उसका क्या टाइम टेबल है। हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है जो वाया नागपुर होकर चलती है, हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल कोलकाता से ये जो ट्रेन है रोजाना रात के 8 बजे 21 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं। हावड़ा से मुंबई की जो दूरी है ये 1963 किलोमीटर की कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 60 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा स्टेशन आता है वो है पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 9:40 पर पहुँचती है और 9:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है टाटा नगर झारखंड में पहुँचती है रात के 11:35 पर और 11:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और 250 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है यहाँ तक। और ये टाटा नगर जो है तीसरा स्टेशन है इस ट्रेन का। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो वाया नागपुर होकर चलती है झारखंड के चक्रधरपुर में पहुंचती है रात के 12:31 पर और 12:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 7 मिनट का स्टॉप है। उड़ीसा के राउरकेला जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 2:01 पर पहुँचती है और 2:11 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है वो उड़ीसा के झारसुगुड़ा जंक्शन में रात के 3:55 पर पहुँचती है और 4 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उड़ीसा के ही ब्रजराज नगर में पहुँचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 4:08 पर पहुँचती है और 4:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रायगढ़ में पहुँचती है सुबह 4:53 पर और 4:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 584 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के खरसिया स्टेशन में पहुंचती है। खरसिया स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 5:21 पर पहुंचती है और 5:23 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शक्ति स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:36 पर और 5:38 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 634 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। चंपा जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 6:02 पर पहुंचती है और 6:04 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 664 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिलासपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:10 पर और 7:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है भाटापारा में पहुंचती है। भाटापारा में ये ट्रेन जो है सुबह 8:03 पे पहुंचती है और 8:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। रायपुर जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 9 बजे पहुंचती है और 9:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। और दुर्ग जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 10 बजे पहुंचती है और 10:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 868 किलोमीटर की यात्रा जो है ये हावड़ा से यहां तक कवर कर चुकी होती है। राजनंदगांव में ये ट्रेन जो है सुबह 10:27 पे पहुंचती है और 10:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। डोंगरगढ़ में ये ट्रेन जो है सुबह 10:52 पे पहुंचती है और 10:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आगे ट्रेन जो है रुकती है और 929 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के गोंडिया जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:02 पे और 12:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। तुमसर रोड जंक्शन में ये ट्रेन जो है 12:38 पे पहुंचती है और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। भंडारा रोड महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है 12:54 पे पहुंचती है और 12:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल जो है वो नागपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:10 पे और 2:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सेवाग्राम जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 3:22 पे और 3:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद वर्धा जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 3:23 पे पहुंचती है और 3:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। और हावड़ा जंक्शन से वर्धा जंक्शन की जो दूरी है 1211 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। उसके बाद पुलगांव जंक्शन में ट्रेन जो है 3:53 पे पहुंचती है और 3:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। दमनगांव में ट्रेन जो है शाम के 4:11 पे पहुंचती है और 4:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। भंडेरा जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 5:40 पे पहुंचती है और 5:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1303 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। मुर्तिजापुर में जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 6:13 पे पहुंचती है और 6:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है वो अकोला जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:40 पे और 6:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। शेगांव स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 7:13 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1419 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है यहां तक। यहां पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है वो जालंब जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:29 पे और 7:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल जो वाया नागपुर होकर चलती है नांदूरा में पहुंचती है शाम के 7:38 पे और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मलकापुर में पहुंचती है रात के 8 बजे और 8:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भूसावल जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:10 पे और 9:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। जलगांव जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:38 पे पहुंचती है और 9:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। चालीसगांव जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:38 पे पहुंचती सॉरी 10:38 पे पहुंचती है और 10:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। मनमाड़ जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:38 पे पहुंचती है और 11:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल जो वाया नागपुर होकर चलती है वो नासिक रोड स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:35 पे और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। देवलाली स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 12:50 के करीब पहुंचती है और 12:50 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। इगतपुरी में ट्रेन जो है रात के 12:10 पे पहुंचती है और 2:10 पे पहुंचती है और 2:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन में सुबह 4:07 पे पहुंचती है और 4:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल जो वाया नागपुर होकर चलती है वो मुंबई के दादर सेंट्रल में सुबह 4:52 पे पहुंचती है और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर
तीन मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो वाया नागपुर होकर चलती है वो अपने आखिरी स्टेशन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह 5:20 पर पहुंचती है, 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1965 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो वाया नागपुर होकर चलती है उसकी वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं, या अगर कोई फेवरेट ट्रेन रूट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ।